भाई भैया गलतियों की पत्री निकालिए, उसके बगल में मुख्यमंत्री और बगल में ही है, उसका 2:20 पर नीचे क्या लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। ये पौलुस बोल रहे हैं, प्रोगदास पौलुस बोल रहे हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया, पौलुस का एक अनुभव है, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति का एक अनुभव, कलीसिया को आज कलीसिया को बहुत ज्यादा सताम हो रहे हैं, कई पास्टरों को शहीद कर दिया गया, उनको जान भी देना पड़ा प्रभु के लिए, वो तो त्याग भी है, हम लोग भी त्याग भाया भी है। पता है पुरुष जो कलीसिया को सताया, कई लोगों को मारा जान से, लेकिन जब यीशु मसीह उसको चुन लिए और यीशु मसीह को जान गया, वो कहता मेरे क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा मसीह मुझ में जीवित, हालेलुया, कहता मैं अब जीवित न रहा यीशु मसीह मुझ में जीवित। अभी कोई धर्म पर खमन करेगा तो उससे धर्मान आज कोई नहीं, कलीसियाओं में हालेलुया। अगर कोई बुद्धि पर खमन करे तो उस जमाने में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हालेलुया, धनवान भी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सुंदर नहीं था, सुंदरता और खमन नहीं था, सुंदर तक नहीं था, लेकिन धनवान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन वो कहता है कि नहीं अब मैं मर गया, हालेलुया, मसीह मुझ में जीवित है, मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा, हालेलुया। और इसलिए कहता है कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह क्रूस पे आपके लिए मरे हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं क्रूस पे, और आपसे प्रेम करते हैं। कभी कभी हम अब क्या करते हैं, अपने आप से ज्यादा प्यार करते, प्रभु से कम प्यार करते, कभी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते, प्रभु से कम प्यार करते, कभी अपने पैसे से ज्यादा प्यार करते, प्रभु से कम प्यार करते, कभी कभी हम समाज से डरते, प्रभु से नहीं डरते, कभी समाज से हम ईश्वर से पास जा रहे, समाज वाला तो विकास का बात करते, पौलुस प्रभु को जान गए थे, इसलिए उन्होंने कहा किया कहता मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लिए मैं क्रूस पर उसके लिए चल गया, भाई भैया उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया है, इसलिए इससे अच्छा कोई नहीं, हालेलुया। उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया है, ऐसा प्रभु कहां मिलेगा, ऐसा प्रेम वाला कहां मिलेगा, इसलिए पुरुष कहता मैं अपने आप को उसके लिए दे दिया, हालेलुया। उसने मेरे लिए दिया, मैं अपना जीवन उसके लिए देता हूं, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए अपना जीवन दिया है, मैं भी अपना जीवन उसके लिए समर्पित करता हूं, हालेलुया। और पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं तमाम रुकावटें भी आया, लेकिन फिर भी वो विजय को ही प्राप्त करते गए और सेवा बहुत अच्छा से उन्होंने सेवा किया, प्रभु ने उनको चुना और सेवा के लिए बुलाया, उन्होंने बड़ी अच्छी सेवा उन्होंने किया अपने समय में, हालेलुया। उन्हीं की सब पुत्रियां जो उन्होंने अनुभव उन्होंने लिखा, एक और वचन प्रकाशित हुआ उसका 1:5 पद से कर, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। परिपूर्णता की बात हम लोग कर रहे थे शुरू में, लेकिन यहां देखिए ये यूहन्ना बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, कहते हैं और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी, हालेलुया, यीशु मसीह विश्वास योग्य प्रभु है, विश्वास योग्य यीशु मसीह क्या विश्वास योग्य प्रभु है, और मरे हुए में से जी उठने में पहला उठा है, हालेलुया, मरे हुए में से जी उठा। हम लोग पिछले बार इसमें बनाया ना, मतलब कि यीशु मसीह के जी उठने का हम लोग पुनरुत्थान के बारे में बनाया था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, जी उठा, हालेलुया। क्या लिखा है,
जी उठने में से पहला उठा, सबसे पहला कोई मुर्दे में से जिंदा हुआ यीशु मसीह। हालेलुया, मुर्दों में से यीशु मसीह जी गए, पहला उठा मुर्दों में से जी उठ गए। मरी हुए से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया, पृथ्वी के जितने राजा हैं उनका भी हाकिम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, कमजोर है। यीशु मसीह को विश्वास प्रभु कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, इस पर भरोसा करें, विश्वास करें। विश्वास प्रभु है, आप कितना विश्वास उसके ऊपर करते हैं, आप कितना विश्वास योग्य उसके साथ है। हालेलुया, आप परमेश्वर साथ कितना विश्वास योग्य है वो प्रभु देखता, आप प्रभु के साथ कितना विश्वास योग्य है ये प्रभु देखता है। ये विश्वास प्रभु साथ विश्वास बनना पड़ेगा। वो कहता है साक्षी है, मरे हुए जीवन का पहला होता है, पृथ्वी का राजाओं का हाकिम है। राजाओं का हाकिम है, हमें किसी हाकिम से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हाकिम से डरने की जरूरत है, उसके साथ घुटने टेकने की जरूरत है, उसके साथ विश्वास में बने रहने की जरूरत है। और निश्चित वालों के साथ विश्वास में बने रहिए, जिसके अधीन आप उसके साथ विश्वास में बने रहिए। राजाओं का भी वो हाकिम है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, और तुम्हें अधूरा शांति मिलती रहे, परमेश्वर हमें अधूरा करे और शांति भी देता है, हमें शांति भी देता। शांत मन को शांत करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, आपका मन कभी बेचैन हो जाए यीशु पर जाइए, प्रार्थना करिए, शांति मिल जाए। परमेश्वर पर वचन उठाकर पढ़िए, शांति मिल जाएगी। हालेलुया, कभी आप अशांति में हैं तो जरूर प्रभु पा जाइए, एकदम शांति प्रभु देगा। हालेलुया, और बोलते हैं कि वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। हालेलुया, वो हमसे प्रेम रखता है, कहते योने कहते कि हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह आपसे हमसे प्रेम करते हैं, इस चीज को आप समझना है, यीशु मसीह आपसे हमसे प्रेम रखते हैं। अगर प्रेम नहीं रखते ना तो खून नहीं बहा, उन्होंने प्रेम किया तभी खून बहाया, उन्होंने खून इसलिए बहाया। आज अभी बहुत लोग स्वस्थ रहते, खून ना आया तो देखते भी नहीं करेंगे, किसी बीमारी के लिए अगर खून ना आया तो कोई प्रॉब्लम बहुत खून देते भी। यहां पे यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए खून दे दिया। हालेलुया, वो हमसे प्रेम करता है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया, अपने खून के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया। बहुत लोग सुनता हमारा पाप छूटा कि नहीं छूटा, लेकर ढो रहा उसी को सर भारी बोझ लेकर, छूट गए यीशु पर, लहू पर विश्वास किया, अपने पापों को माना और छूट गया। हालेलुया, संदेह मत करिए कि पाप क्षमा हुआ कि नहीं, छूटा कि नहीं, ऐसा नहीं। यीशु पर लहू में विश्वास करिए, अपने पापों को क्षमा मांग लीजिए और यीशु पर लहू में आप धोइए। हालेलुया, क्षमा हो गया, आप छूट गए, यीशु से हमें प्यार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू इसलिए बहा कि हम छूट जाए, पाप से छूट जाए, तमाम चीजें छूट जाए। वह हमसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने प्रेम से ही हमें खरीदा। हालेलुया, और उसने इतना प्रेम किया, अगर नहीं किया होता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं रहती, मेरे लिए कोई आशा नहीं रहती, कोई हमें हमारे लिए इतना प्यार नहीं करता, क्यों नहीं दे सकता। वो हमसे एक सर्वोच्च साक्षी बड़े बहुत ऊंची
एक साक्षी है, उसने हमसे प्रेम किया है और लहू और उसने हमारे खून बहाकर हमारे पाप को शुद्ध किया। हाय भैया, पाप से शुद्ध कर दिया, पाप को धो डाला, वो हमें आने वाले क्रोध से बचाएगा। हाय भैया, उसका लहू क्या है? आने वाला जो क्रोध होगा, क्योंकि परमेश्वर क्रोधी है। किस पे? जो यीशु का लहू विश्वास नहीं करता है उसके लिए क्रोधी है। हाय भैया, जैसे मैं बोलवा ना कि जब यीशु का पाप आप पा गए, यीशु को अगर पा गए आप, यीशु मसीह को आप उद्धार करना स्वीकार कर लिया, चाहे कोई करे चाहे ना करे, आप पड़ोसी करे चाहे ना करे, आप घर कोई करे चाहे ना करे, आप अवसर आप कर लीजिए और चलिए पीछे। हालेलुया, नहीं तो क्रोध, परमेश्वर क्रोध भी होगा।